गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं, जो है शाम 6 बज गए, तो 6 बज चुके हैं। 6 बजने में बिल्कुल अभी 10 मिनट हैं, तो इधर से थोड़ा उल्टा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 6:15 हो गए, मगर अभी टाइम है। तो गाइज़ मैं अभी, मेरे भी मुँह ऐसा हो रहा है कि जैसे मैं सो के आई हूँ, मगर मैं नानू को सिला रही थी, लेट के आई हूँ। तो गाइज़ जो है आज आ रहे हैं कुछ मेहमान, तो कुछ नहीं दो ही हैं, तो मैं बनाऊंगी आज, डालूंगी मैं रेसिपी की वीडियो, बनाऊंगी कढ़ाई गोश्त, तो उसकी रेसिपी डालूंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैं जो है डालूंगी, कैसे बनाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी उसकी रेसिपी। और जो है पहले मैं सब सामान तैयार करके ले रख लूँगी, तब मैं सब सामान तैयार कर लूँगी तब दिखाऊँगी, क्योंकि फिर फ़ोन पकड़ने वाला भी कोई नहीं, इसलिए जो है मैं पहले सारा सामान तैयार कर लूँगी तब दिखाऊँगी आपको, क्योंकि मैंने क्या क्या तैयार किया है और फिर दिखाती हूँ आपको। तो मैं पहले अपना मुँह धो के ज़रा थोड़ा सा सही कर लूँ, फिर जो है अपना काम में लगूँगी। और जो है काफ़ी सारे बर्तन हो गए, अभी धो ही नहीं, दोपहर के धो ही नहीं है मैंने अभी तक, सफाई भी नहीं हुई, सुबह की सफाई करने के बाद फिर जो जुमे का दिन वैसे ही था, तो आज का दिन तो एकदम निकल जाता है। तो अब बच्चे गए कोचिंग, बच्चे भी आ जाए पढ़ के, तो अपना काम शुरू करूँगी फिर मैं जो है। तो चलिए पहले चलती हूँ मैं, अपना जो है हाथ धो लूँ, फिर जो है उसके बाद अपना काम में लगूँ। तो गाय सामान मेरा सब तैयार हो गया है, कुछ सामान रह गया है तो वो लेने गया है अरमान। हाँ है क्या, दूसरी वाली फिल्टर में दे दे, वही रखी है। अरमान पिएगा थोड़ी सी चाय, इसको मैं, मेरी चाय रखी है ना, तो इसको चाय पीने की लग रही है, तो ये रो रहा है कि ये भी चाय पिएगा। तो रिफा से बनवाई मैंने चाय, दिख रही है ना, ये देख, तो रिफा से बनवाई मैंने चाय, और कुछ सामान मैंने तैयार करके रख दिया। और अरमान लेने गया, चिकन भी लेने गया, दही वगैरह जो मिलाना वो लेने गया है। बाकी सब मैं और दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयार कर लिया है और क्या क्या रह गया है। हाँ क्या हुआ, ये लेटा हम दो, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी का आज ब्लॉग डालूंगी। आज कुछ मैंने दिन भर में बना नहीं पाई थी ब्लॉग में, क्योंकि जो है आज जुमे का दिन भी था और काम भी आज के दिन ज़्यादा ही होता है, तो इस वजह से बच्चे भी अपना आ गए थे 12:30 बजे करीब, और फिर ये लोग नहाए धोए, फिर वही टाइम हो गया, इस वजह से मैं वीडियो आज की नहीं ले पाई। तो मैंने सोचा सिर्फ रेसिपी की वीडियो डालूंगी मैं, रेसिपी का ब्लॉग डालूंगी। हाँ हट जाओ, तो ये लैपटॉप में इसके घुस रहा है रिफल अरमान के, देखो ये रखा हुआ, नहीं हमदान हमदान घुस रहा है। रिदान टीवी बंद कर दे। तो जो है मैं चाय वाय पी लूँ, इतने अरमान आई जा, ये देखो मेहंदी लगानी तो खैर मुझे आती नहीं, मैंने सोचा ला ना को नहीं लगानी, फिर ये कलाकारी कर दी मैंने, मेहंदी तो मुझे बहुत पसंद है। रात कह भी रही थी मेरी बहन कि लाओ मैं लगा दी तुम्हारे, मगर ये हमदानी नहीं सो रहा था, ए मान जा, हमदानी नहीं सो रहा था तो जो मैं लगाती, तो ये रिफा लेके आई गई इसकी फिल्टर में चाय और दूध थोड़ा सा, ये देखो पीने लगा, गरम तो नहीं लग रहा है इसको, देखो चीनी डाली थी। हाँ पकड़ी उधर, तो अरमान लेके आ गया है सारा सामान, ये देखो मेरा टमाटर ले लिया आया अरमान। गाइज मैं जो और सामान है वो मैं तैयार कर लूँ और चिकन विकन धो के रख लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को रेसिपी।
तो अब मैं जा रही हूँ करने के लिए तैयार। हेलो गाइस, सब सामान हमारा तैयार हो चुका है, तो सब कुछ हो चुका है तैयार। और मैं दिखाती हूँ क्या क्या सामान मैंने तैयार किया है। बना रही हूँ मैं कढ़ाई गोश्त, तो इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। पहले मैं सारा इसका सामान दिखाती हूँ, क्या क्या है, मसाले, क्या क्या चीज़ मैंने काटी है, क्या क्या चीज़ मैंने तैयार कर ली, तो मैं सब दिखाती हूँ आप लोग। तो गाइस, ये रहा चिकन, और दही, अदरक लहसुन, ये रही प्याज चॉप हुई हुई, टमाटर, हरा धनिया, और ये रहे हमारे मसाले, पिसी हुई मिर्चें, धनिया और हल्दी और कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक, कसूरी मेथी, गोल कटी हुई मिर्चें, नींबू एक, अदरक कटी हुई बारीक, और ये लंबी मिर्चें। तो ये सब सामान है सारा, ये देखो। तो ये सारा सामान है, और ये रहा रिफाइंड। तो गाइस, ये मैंने रिफाइंड डाल दिया है, कढ़ाई हो चुकी है मेरी गरम। तो गाइस, ये मैंने तेल डाल दिया है, तेल हो चुका है गरम। अब मैं डाल दूंगी ये चॉप करी हुई प्याज, ये है 3-4 घंटे प्याज की, तो मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ी हल्की हल्की सी करनी है बस, मतलब लाल भी नहीं करनी है, और हल्की हल्की जैसे गल सी जाएगी ना, तो ऐसी करनी है। तो इसमें मैं आधा, ये 1 चम्मच नमक है, तो मैं इसमें से आधा जो है इसमें डाल दूँगी प्याज में। तो मैं इसे थोड़ी देर चलाऊँगी और इसे भूनूँगी प्याज को। तो ये हमारी है कम से कम आधा किलो प्याज, 1.5 किलो चिकन है हमारा, तो जो है इसमें इतनी प्याज लगेगी, वरना ज़्यादा डालूंगी तो मीठी हो जाएगी। तो 1.5 किलो चिकन है, आधा किलो जो है इसमें प्याज है, और आधा किलो से कम टमाटर होंगे। टमाटर मतलब आधा किलो क्या ऐसे होंगे 250 ग्राम के करीब, तो वो मैंने टमाटर जो है पीस लिए थे। तो यही सब सामान में मुझे देरी लग गई, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले पूरा कर लेती हूँ तभी कर लूँ। और इसी टाइम अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने गोल हरी मिर्च काटी है वो डाल दूँगी इधर। तो ये मैं डाल दूँगी इसमें हरी मिर्च, ये जो गोल कटी हुई है, गोल जो कटी है ये वाली डाल दूँगी, लंबी वाली बाद में डालूँगी। तो इसे चला लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये खूब अच्छी तरीके से भुन चुका है प्याज, मुझे ज़्यादा लाल नहीं करनी थी। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें मैं अदरक लहसुन, तो ये 3 चम्मच है अदरक लहसुन, अदरक लहसुन डाल के ये भून लूंगी 4-5 मिनट तक, ये भूनूंगी फिर और मसाले डालूंगी। तो ये मेरा अदरक लहसुन जो है खूब अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स हो जाएगा, खूब भुन जाएगा, उसके बाद जो है ये इसमें मसाला डालें। तो मैं डाल दूँगी इसमें ये मसाले, ये 1 चम्मच है पिसी हुई मिर्ची, ये तेज़ वाली है तो मैं कम कर लूँगी इसमें से, और ये पिसा हुआ हरा धनिया, और ये है हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा। तो अब मैंने ये सब चीज़ें डाल दी हैं, ये सब चीज़ें डाल के मैं चला लूँगी, भून लूँगी इसे खूब अच्छी तरीके से। तो ये मसाला हमारा खूब अच्छी तरीके से भून चुका है, अब मैं डाल दूँगी इसमें दही, ये रही, ये है 250 ग्राम से, मतलब 250 ग्राम के करीब ही होगी दही। अब इसे भून लेती हूँ, तो ये मैंने दही डाल दिया, अब इसमें इसे दही डाल के खूब अच्छी तरीके से भून लूँगी, अभी दिखाती हूँ। पहले मैं इसे भून लूँ अच्छी तरीके से, फिर ऐसी कर रही ऐसे करके, और अब ये डाल दूँगी मैं टमाटर,
तो मैं इसे भून लूँ, इसे 10 मिनट तक भून लूँ, फिर डाल दूँ अपना चिकन। तो गाइस अब मैं डाल दूँगी इसमें चिकन। अब ये मसाला जो है खूब अच्छे तरीके से इसके साथ भुनेगा, तो इसके साथ भुन जाएगा, फिर जो है इससे सैन या कुछ भी नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स। तो ये पूरा मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे खूब अच्छी तरीके से भूनूंगी, दिखाती हूँ आपको 10 मिनट के बाद। इतने चिकन मसाला मैंने सोचा बर्तन धो लूँ, जो बर्तन है थोड़े से वरना ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी 10 मिनट है चिकन होने में और बाकी मसाले रह गए हैं, तो मैं पहले बर्तन धोती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो गाइस अब मैं इसे देख लेती हूँ खोल के, तो ये देखो वाइट वाइट से हो गए होने लगा। तो इसको अच्छी तरीके से भून चुका है, ये देखो। तो अभी अच्छी तरीके से भून चुका है, तो ये डाल दूंगी मैं 2-3 जो है तेज़पत्ता और थोड़ा सा डाल दूँगी हरा धनिया, क्योंकि आधा आप डालूँगी आधा डालूँगी बाद में, और जो है थोड़ी सी मोटी मिर्च अब डाल दूँगी और बाकी बाद में डालूँगी, मतलब थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें अब डालूँगी फिर बाद में डालूँगी। और ये डालूँगी अदरक और जो है ये जो मैंने एक नींबू काट के रखा था ये भी निचोड़ दूँगी। तो बीज इसमें से निकाल के रख लो ताकि जल्दी में अपना ऐसे ही डाल दो, बीज मैंने निकाल ही दिए थे अभी निकाले, मतलब ये मैंने डाल दिया नींबू और डालूंगी इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी, और मैंने आधा नमक डाला था इसमें प्याज तलते टाइम, और आधा नमक डालूंगी अब। ये देखो अगर कम लगेगा तो डालूंगी वरना तो नहीं डालूंगी। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। पहले से चिकन मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि जो है ना फिर ज़्यादा गल जाता है, ज़्यादा गल जाता है, बोटियाँ अलग अलग हो जाती हैं फिर वो अच्छा नहीं लगता, रेशा रेशा अलग अलग हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को टीवी की आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि बच्चे जो हैं टीवी देखते हैं खानदान खास करके। तो जो चीज़ मैंने इसमें आधी आधी डाली है वो मैं डालूंगी और बाद में। तो ये अभी और भुनेगा, इसमें और बाकी अब कुछ नहीं डालना जो डालूंगा लास्ट में। तो अब मैं जो इसे ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए और ढकूंगी इसे मैं। तो ये देखो कितना अच्छा सा अभी से ही कलर आ गया है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए और ढकूंगी, फिर 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखती हूँ गाइस 10 मिनट हो चुके हैं, तो गाइस देखो ये जो है खूब अच्छी तरीके से भून गया है, अब तेल भी ऊपर आ गया। खूब भून गया मसाला जो है, खूब अच्छी तरीके से भून गया, हमारा कढ़ाई गोश्त जो है हो चुका है तैयार। तो गाइस मैं गरम मसाला दिखाना भूल गई थी, तो ये थोड़ा सा है गरम मसाला, ये डाल दूंगी मैं ऊपर से, और ये जो हमारी मिर्ची जो थी बची हुई ये डाल दूंगी मैं सारी, और हरा धनिया। और ये रही बची हुई अदरक हम, और जो ये बची हुई कसूरी मेथी थी इस टाइम पे डाल दूँ, और बस
इसको चला दूंगी मैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है और नमक वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी ढक्कन लगा के, दिखाती हूँ मैं भी आपको 10 मिनट के लिए। तो गाइस हमारा जो है कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुका है, हमारा पूरा आप भी बना और अच्छा लगेगा बना करके। तो ये हो चुका है हमारा तैयार, मैं खिला देती हूँ खाने। तो हेलो गाइस, हमारा सारा काम निबट चुका है, खाना पीना हो चुका है और जो है कढ़ाई गोश्त सबको बहुत पसंद आया। उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं ली, ये हमदान चिल्ला रहा है नीचे उतरने के लिए बेड से, देखो ये रहा नहीं। तो गाइस आप लोग व्लॉग पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन दबाना। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, खुदा हाफिज़।